अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम सामईन व हाज़रीन, ये बात आवाम में बहुत ज़्यादा मशहूर हो गई है कि अगर जनाजा उठाते वक्त जिसका जनाजा हल्का हो, लोग ये समझ लेते हैं कि ये शख्स जन्नती है, और जिसका जनाजा भारी हो तो लोग ये फैसला कर लेते हैं कि ये शख्स जहन्नमी है। अल्लाहु अकबर। यानी जनाजा के भारी और हल्का होने से जन्नती और जहन्नमी का फैसला लोग कर लेते हैं जनाजा उठाते वक्त। तो इसकी क्या हकीकत है? क्या वाकई में जो जन्नती होता है उसका जो है वो जनाजा बिल्कुल हल्का हो जाता है, खाट उसकी हल्की हो जाती है, और जो जहन्नमी होता है उसका जनाजा भारी हो जाता है? इसकी क्या हकीकत है? मोहतरम सामईन हाज़रीन, तो आज हम आपके सामने इसकी हकीकत रखेंगे, लेकिन इससे पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंचता रहे। मोहतरम सामईन हाज़रीन, जो लोग ये जनाजा उठाते वक्त फैसला कर लेते हैं कि इसका जनाजा हल्का है, ये शख्स जन्नती है, और ये इसका जनाजा भारी है इसलिए जहन्नमी है, उन तमामी हजरात तक मेरा ये वीडियो ज़रूर आप पहुँचा दें कि जनाजा के हल्का और भारी होने से जन्नती और जहन्नमी का फैसला करना ये बिला वजह है, और इन सब बातों का ताल्लुक हकीकत से कुछ भी नहीं है। इसलिए कि कभी ऐसा होता है कि जनाजे के खाट पर कोई ऐसा बच्चा सोया हुआ होता है जिस बच्चे ने कोई गुनाह नहीं किया है, मगर वो खाट इतना वज़नी होता है कि लोग उठाते हैं तो उसे वज़न महसूस होता है, या उठाने वाला कमज़ोर होता है तो उसे वो खाट जो है वो वज़नी मालूम होता है। तो क्या आप उस बच्चे के बारे में ये कह देंगे कि बच्चा जहन्नमी है? नहीं कह सकते। ज़ुन्नुल मोमिनीन खैरा, हर एक ईमान वाले के बारे में, हर एक मोमिन भाई के बारे में हमें बेहतर गुमान रखना चाहिए। और कभी ऐसा भी होता है कि जनाजा हल्का होता है मगर उठाने वाले इतने कमज़ोर होते हैं कि उसे उठाने में जो है वो बड़ा भारी लगता है, तो लोग ये कह देते हैं कि ये शख्स जहन्नमी है। और कभी ऐसा भी होता है कि जनाजा भारी होता है मगर उठाने वाले मजबूत और ताकतवर होते हैं, तो फिर उसे वो जनाजा हल्का लगता है, तो लोग उसे जो है ये कह देते हैं कि ये वो शख्स जो है वो जन्नती है। तो इस ताल्लुक से मैं आपको बता दूं कि ये सब बातें एक मनगढ़ंत है, और ये सब बातें जो है हकीकत से कुछ भी ताल्लुक़ नहीं रखती है। इन सब बातों का शरीयत से दूर तक का कोई वास्ता नहीं है। इसलिए जो ये बातें आवाम में राइज हैं, हमें चाहिए कि इन बुनियादी बातों, जिन जो बुनियादी बातें आवाम में मशहूर हो चुकी हैं, हमें उन बातों की रद्द करनी चाहिए, और हमें चाहिए कि जहाँ ये बातें हो वहाँ तक हम इस वीडियो को पहुँचाने की कोशिश करें, ताकि लोगों के जहन से ये बात निकल जाए जो बातें घर बना चुकी हैं। मोहतरम सामईन व हाज़रीन, तो बिलआख़िर आप ये जान लें कि जनाजा भारी होने और हल्का होने से जन्नती और जहन्नमी का फ़ैसला कोई नहीं कर सकता है, बल्कि हमें हमेशा मोमिन भाइयों के लिए, मुसलमान भाइयों के लिए ये गुमान रखना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोमिन भाई के साथ बेहतर मामलात फरमाए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे मोमिन भाई को जन्नत नसीब करे, और अल्लाह उसकी मगफिरत फरमाए। हमें ये गुमान रखना चाहिए। हमें उम्मीद है कि आप हज़रात हमारी इन बातों को समझ गए होंगे। अगर ये बातें आप समझ गए तो आप अपने दोस्तों अहबाब तक ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।